नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाई, जो आज का वीडियो है वो है जोंडियर 5050D, जो कि सबसे लेटेस्ट वाली सीरीज जो है ना, गियर प्रो सीरीज, जो कि अभी जोंडियर ने 5050D में भी लॉन्च की है, उसका वीडियो है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो सीरीज है ना, ये पहले वाली सीरीज है 5050D वैल्यू ट्रिपल प्लस की बेजिंग के साथ में जो आती थी, और ये वाली जो सीरीज है ये गियर प्रो सीरीज है, जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च की है कंपनी ने। आज 21 तारीख है और ये लॉन्च की थी कंपनी ने 14 तारीख को। तो किसान भाई, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो गियर प्रो सीरीज में आपको वर्जन 1 देखने के लिए मिलेगा, मतलब अभी सबसे लेटेस्ट वाला ही है। उसी के साथ में इसमें जो आपको पहला डिफरेंस है वो है मेटिंग का। अगर आप इसमें देखेंगे पहले वाली सीरीज में, तो इसमें आपको मेटिंग नहीं मिलती है और इसमें आपको मेटिंग दे दी है कंपनी ने। उसी के साथ में अगर मैं आपको इसके ऊपर चेंजेस बताऊँ, मैं आपको पहले छोटे छोटे चेंजेस दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको इसके मेन चेंजेस बता दूंगा। तो अगर मैं मेन मेन चेंजेस बताऊं, तो जो पुरानी सीरीज है ना, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कोई भी डीजल कूलर देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन अब जो आपको नई सीरीज जो आती है 5050D, उसमें आपको आपको डीजल कूलर देखने के लिए मिलेगा। और उसी के साथ में जो आपको चेंजेस किया गया कंपनी में, मेटिंग का हो गया, डीजल कूलर का हो गया, और उसके बाद जो मेन चेंजेस आपको मैं बताऊँ, तो पहला तो हो गया भाई अपना स्टेयरिंग व्हील का। आप उसका स्टेयरिंग व्हील देख सकते हो, बड़ा वाला स्टेयरिंग व्हील है और इसका छोटा सा स्टेयरिंग व्हील कर दिया कंपनी ने ये। और अब मैं आपको उसका स्टेयरिंग व्हील दिखा देता हूँ। तो इसका पहले वाला जो बड़ा वाला स्टेयरिंग व्हील आता था ना, वही है, और उसमें आपको छोटा वाला स्टेयरिंग व्हील कर दिया कंपनी ने। उसी के साथ में किसान भाई, अगर अपन लोग बात करें जो मेनली चेंजेस कंपनी ने किया गया है ट्रैक्टर में, वो किया गया भाई गियर बॉक्स में। पहले जो आता था ना, वो हाई लो आता था, 8+4 वाला ट्रांसमिशन, मतलब 12 स्पीड मिलती है। अब आपको मिलती है 12+4, अब आपको 16 स्पीड देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलते हैं 1 2 3 4, और इधर हो गया हाई लो और मीडियम, और उसके साथ में एक रिवर्स गियर हो गया। रिवर्स में आपको 4 ही मिलेगी, लेकिन आपको फ्रंट में अब स्पीड चेंजेस कर दिया ट्रैक्टर में, जिसमें अब आपको हाई लो मीडियम होने के कारण क्या फ़ायदा हुआ कि अब आप ट्रैक्टर को ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा काम निकाल सकते हो कम डीजल खपत में। ज़्यादा गियर ऑप्शन से क्या रहता है किसान भाइयों, आप ट्रैक्टर को कम RPM, या फिर आप बोल सकते हो कि आप कम लोड पर ट्रैक्टर को ज़्यादा स्पीड से चलाओगे, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा देगा ट्रैक्टर निकाल के, वो काम भी जल्दी करेगा और ट्रैक्टर की डीजल खपत भी कम करेगा। तो जोंडियर ने ये बढ़िया काम किया कि 5050D में भी आपको हाई लो मीडियम का ऑप्शन दे दिया है, जो कि पहले आता था 52-10 में ना, वो वाला बढ़िया काम है। आप देख सकते हो, वैसे भी आज जोंडियर की 11 ट्रैक्टर की डिलीवरी थी JMBKA ट्रैक्टर्स की ओर से, और जोंडियर ने अभी जो डिलीवरी दी है, जैसे एक डीलरशिप से 11 ट्रैक्टर की उन्होंने डिलीवरी दी है, तो आप समझ सकते हो कि अभी कितना मार्केट कैप्चर उन्होंने करके रखा है। और उसी के साथ में अगर किसान भाई बात करें, तो इसमें पीछे हाइड्रोलिक में इसमें आपको पहले 1600 kg मिलती थी ना, अब 2024 मॉडल में इसमें भी 1800 kg कर दी गई है, और इसमें भी आपको 1800 kg देखने के लिए मिलेगी। बाकी पीछे अगर चेंजेस कुछ भी नहीं किया गया, मेन कंपनी ने चेंजेस किया आपको डीजल कूलर में, जिससे कि आपका डीजल ठंडा होकर ट्रैक्टर में जाए, और उसी के साथ चेंजेस किया गियर बॉक्स में, जिससे कि आपको ज़्यादा स्पीड ऑफ ट्रैक्टर की देखने के लिए मिलेगी। और दूसरा चेंजेस है आपका स्टेयरिंग व्हील में, जिससे कि आपको है ना चलाने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। ये स्टेयरिंग व्हील मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया पसंद आया। तो किसान भाई, यही कुछ चेंजेस थे आज नई सीरीज में। तो आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।